दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि आज तक आप जिन जिन 3D मूवीज को रियल 3D समझकर देख रहे थे वो आखिर में एक जबरदस्ती का 3D था। थिएटर में टिल्टेड डबल स्क्रीन और पोलराइज्ड गॉगल का इफेक्ट आप इसे कह सकते हैं, जो कि किसी विजुअल की डेप्थ को क्रिएट ही नहीं कर पाया। बस पोलराइज्ड गॉगल से व्यवस्थी का 3D विजुअल सरदर्द बनाया गया था। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक 3D एड बिलबोर्ड के ऊपर एक शॉट बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किसी बिल्डिंग के कॉर्नर को विजुअली 3D के लिए लिया जाता है और 90 डिग्री का कोण बनाकर, मतलब उस हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेट का फायदा उठाकर जेड एंगल पर डेप्थ क्रिएट किया जाता है। ऐसे इस आल्ट को देखिए, और ऐसे इंटरनेट पे आपको बहुत से 3D आल्ट मिल जाएंगे जो बस एंगल का ख्याल रखने से 3D विजुअल डेप्थ क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल 3D की बात करें जो कंप्यूटर जनरेटेड ना हो, तो देखने वाली टेक्नोलॉजी तो ज्यादातर सेम रहेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग में बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। अभी तक की 3D मूवीज जो अभी तक आपने देखी है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सस्ते में निपटाने के लिए, यानी कम टाइम और कम मेहनत और बिना फिजिक्स को समझे, मतलब अगर रिकॉर्डिंग में 2 कैमरा समांतर रख दिए जाएं लेकिन डेप्थ ही ना देते हो, तो 3D कैसे क्रिएट होगा। मतलब अभी तक 2 कैमरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे पैरेलल ही फोकस करते थे, यहाँ पे 2 कैमरा जरूरी है 3D क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है, उन्होंने फेक 3D में से हटाकर फ्लेक्सिबल लेंसेज जरूरी हैं, क्योंकि हमारी आंखें फ्लेक्सिबल हैं, हमारी आंखों में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते रहते हैं। तो उसी तरह से डबल लेंस वाले या डबल कैमरा वाले 3D कैमरा में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है रिकॉर्डिंग के टाइम। और दोनों अगर एक साथ ही फोकस करें, सिंपल भाषा में समझने के लिए कि रियल 3D का साइंस क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसे समझिए आंखों से। हमारी आंखें जब किसी चीज पर फोकस कर रही होती हैं, अब आंखें एक साथ अपने एक्सिस पर एक चीज पर फोकस कर रही हैं, ठीक है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट पास या दूर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसे टिल्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। यानी हमारी आंखें सिचुएशन के हिसाब से अपना एंगल, अपने लेंसेस का एंगल बदलने लग रही हैं अपने फोकस को बनाए रखने के लिए। पुराने वाले 2 कैमरे किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस तो करते थे, लेकिन टिल्ट एडजस्टमेंट नहीं करते थे, खाली बैकग्राउंड को आगे की ओर सरकाते रहते थे, जिससे आदमी आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इनफाइनाइट में तो नहीं चला गया है, यानी जबरदस्ती का विजुअल। अब कोई भी इंसान इन चीजों को देखेगा तो उसका दिमाग प्रोसेस ज्यादा करेगा, क्योंकि 3D विजुअल तो एक इंसान के लिए नेचुरल व्यू है, लेकिन यहाँ पे सर दर्द हो रहा है, मोशन सिकनेस हो रही है, क्योंकि जबरदस्ती का 3D है। मूवीज में कैरेक्टर लगातार दौड़ते भागते रहते हैं, एक्शन करते हैं, तो उन्हें 3D में रिकॉर्ड करने के लिए फोकस के साथ साथ टिल्ट एडजस्टमेंट की जरूरत है। आप किसी रुके हुए या स्थिर पहाड़ की फोटो नहीं ले रहे हो जिसमें खाली फोकस से ही काम चल जाएगा। मूविंग ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के लिए लगातार उसके हिसाब से मूवेबल लेंसेज की जरूरत है। खाली 2 कैमरे के साथ रिकॉर्ड करने से नकली 3D बनता है। तो यहाँ पर रियल 3D के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो फोकस के साथ साथ टिल्ट एडजस्टमेंट भी कर दे। अवतार मूवी सीरीज में बीम स्प्लिटर टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ा। अब इन दोनों लेंसेस को देखिए, अब आप सोचोगे कि ये क्या है, यहाँ तो एक लेंस ऊपर की साइड में है, रिकॉर्ड क्या करेगा, कैमरे का छत। तो यहाँ पे हुआ ये कि हमारे आंखों के बीच की दूरी होती है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर के करीब करीब, लेकिन इससे बड़े बड़े तो लेंसेज होते हैं। अब 7 सेंटीमीटर की दूरी पर पैरेलल में 2 लेंसेज रखेंगे तो वो एक दूसरे को कवर कर देंगे। बिना फोकस और टिल्ट एडजस्टमेंट की कहानी शुरू हुए, ऊपर नीचे करने की वजह से सेंसर का एंगल 90 डिग्री और 7 सेंटीमीटर, यानी हमारी आंखों के बीच का डिस्टेंस, दोनों कवर हो जाता है। मतलब यहाँ पे हुआ ये है, लेंसेस के एंगल को हमारी आंखों की एंगल की तरह सबसे पहले रखा जा रहा है, फिर एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पर फोकस करवा कर उसके पास या दूर होने पर टिल्ट एडजस्टमेंट हो रहा है। और ये सिर्फ हो नहीं रहा है, इसे मैन्युअली करना पड़ रहा है, इसका टिल्ट एडजस्टमेंट बार बार अपने हाथ से ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक्चुअल 3D बनाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन जेम्स कैमरन 3D वर्ल्ड में एक नया रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, और उन्होंने अवतार सीरीज में एक्चुअल 3D को लाकर दिखाया, जो कि एक 3D एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा अपग्रेड है। क्योंकि अगर अवतार को TV या मोबाइल पे देखेंगे तो क्या कैरेक्टर बाहर आ जाएंगे, नहीं, टेक्नोलॉजी तो भाई पहले से ही सेट है, देखने वाली टेक्नोलॉजी में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पोलराइज्ड ग्लासेस की जरूरत नहीं होगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, थिएटर में आप नंगी आंखों से 3D सिनेमा
4DX सिनेमा, IMAX सिनेमा में 3D एक्सपीरियंस कर पाओगे। और ये सब इंजीनियरिंग में प्रॉपर फिजिक्स को समझने की वजह से है। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियो इतनी ही ज्यादा डेप्थ में और ज्यादा देखनी है, प्लीज मेरे चैनल को अभी विजिट करिए। मैं हमेशा ऐसे फैसिनेटिंग टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।